जय जगन्नाथ। दर्शक बंधु आउ एक भयर एपिसोड को आपण मानक स्वागत। कहानी टी आरंभ करिया पूर्व जदि आपण आम चैनल नुआ अच्छा ए जाए आपण आम चैनल को सब्सक्राइब करना तेज जल्दी एवं ही आम चैनल को सब्सक्राइब करनी जहाँफल आगो को आम चैनल मध्यम प्रसारित प्रत्येक वीडियो नोटिफिकेशन आपण सर्वप्रथमें पाइपर तेज आज कहानी आम सह सेयार करते तुषार भाई। तेणु तुषार भाई को एक धन्यवाद दे चलत आरंभ करवा आज भयर एपिसोडी। तुषार भाई कही था घटनाटी आज को पाखापाखि 8 वर्ष तलर से दिन नुआखाई समय चलता है। मो नुआखाई छुट्टी मो मामू घर बौद्ध आसी थाए। मामू घर मोर समस्ते बहुत पसंद किंतु खास कर मामू घर मु बहुत पसंद। तेणु दिन प्राय समय मो मामू साथ ही कटे दिए। से ही दिन उपरवली अर्थात दिन प्राय 4:30 बेलू मु मामू आम दुज मिसी गाँव खेल पड़िया को क्रिकेट खेलाक जाठार आम दुज खूब एंजय कलु। आते बड़े संज नहीं गला अर्थात सूर्यास्त हो गला आम दुज मामू भणजा घर को चली आसलु। से संध्या प्राय 6:30 कि 6:30 खंडे होरे पहुँची हाथ मुह धो सारे मोर हठात मन पड़ा मो जैकेट कथा जो जैकेट पिंधे मो मामू घर को आसी थाए। से जैकेटा मोर सुध नुआ थाए तेणु मु संगे संगे मामू पाख दौड़ी। मामू मामू मो नुआ जैकेटा मु ग्राउंड छाड़ी आसी चल ना जैक टे नहीं आसवा। मोर यही कथा मामू मत कहले आरे भणजा एबे तो पूरा अंधार हो गला काले सकाळे आमे नहीं आसवा। किंतु मु थाए एकदम जिदखोर टाइप पिला एबे तो एबे नहले नहीं। तेणु मु जिदी करी बसली मते एबे ही मो नुआ जैकेट दरकार जदि काली केही कोडे नहीं जाइथिबो मामू एबे तुम्हें मो सह चल नहले मा मते बहुत गाली करिबो। मोर बहुत बाध्य परे शेषे मामू मो सह जीवा पाए राजी हो गले। आमे दुई जन बाहरी पड़िलु खेल पड़िया अभिमुखे पखापाखि 10 रु 15 मिनट चली चली जावापर आम से गाँ मुंड खेल पड़िया पाखे पहुँचीगलु। सेठारे पहुँचे आम दुईज बहुत समय पर्यटन मो नुआ जैकेट को खोजाक लगलु किंतु केउठी भी पाइलु ना। से चारिपाखर वातावरण भी घन अंधार हो सारी थाए। आखपाखर परेश सुनसान होगा लगी थाए। ताक धीरे धीरे निशापक मान चिं चिं गर्जन पूरा वायुमंडल कंपन सृष्टि करुए। तेणु मामू मत कहले देख भणजा राति तो होगला बोध अंधार सकाश आमको जैकेट मिलूना चल ए घर को जी का सका आसिक आउ थ खोजी नवा। तापर आम दुज से पुणी आम घर को फेरी आसलु। घरे पहुँची द्वितीय बार पुणी थे हाथ मुह धोई हो रातिर खावा खाई सारी आम दुज निज रूम को चलीगल शोवापाई। एमती शोवा भितर अचानक मु मो निज को से खेल पड़िया भितर शोथार पाइली। मु बुझिपन थाए मुठाक आसली केमी आदि भी आसली तो केत आसली आने सब किए जो मान पाखे शत मत भय लगे आरंभ हो सारी थाए कहीं से खेल पड़िया भितर मो सह कहीं भी न था यहा देखि मो मुंड बुद्धिट जुटु न थाए कि ठीक से बेले मो उठवा देखि मो पाखे शोवा बाकी पे भी धीरे धीरे उठवाक लगिले आते घेरे ढड़ा हो गले। जाना ना कहीं समस्ते मत एक संगे गोटे लयरे चाहवाक लगिले। से मो नजर से भितर गोटे पिला पड़ा जी कि ठीक मो सान ढड़ा होता है आई पिला पाखे ही मो जैकेट थाए कि आश्चर्य कथा से पिला कहीं जा एक अजब ढंग से मो आड़े ही चली चली आसू थाए। यह देखि मुझे बुझी सारी थाए एम कौन प्रकार साधारण मनुष्य छुआ तो जमार नुहति बरम एमाने जने जने मनीष रूपी प्रेतात्मा कहीं सेमाने समस्त आखि पूरा रक्तपिंड लाल देखा जाए एवं कहार मुहरे भी टिके चमक न थाए जहाँ गोटे साधारण मनीष पाखे नजर आसी थाए। देखु देखु से पिला आसी मो आखि सामने छिड़ा हो गला एवं मते देखि स्माइल करिया को लागिला। से पर्यंत भी मुझे खेल पड़िया भितर थाए से भूतमान गहन कि ठीक से बेले चालाकीर सह मुझे पिला हाथ मो जैकेट को छड़े आनी एक रहा दौड़ा लगिली। दौड़ी दौड़ी किसी दूर आग को आसापर गोटे नजर मो पछ बुलाई देखिली तो पछपाखर से दृश्य मो होश एकदम उड़ेदेला। मो पछे पछे से भूत मैंने भी मो पिछा करुथांती। यह देखि भयर हड़बड़ हो मो गोड़ जाए एक खाल फसीगला आईटि खसी पड़ी पाखे से तौक मोर कहीं भी न था तेणु निसहाय हो मु खूब जोरें बंचा बंचा बोली चित्कार करने को लगिली। राति अधरे मोर एमती विकल चित्कार शुणी पाखे सहित मो मामू मत निदर उठाइले एवं मुहरे पा छिटा मारी मत पचारे कौन है भणजा तुम कहीं अधरात्रि पार्टी करु तेणु किसी समय पूर्व मो सह घटी से सब घटना मो मामू को गोटी गोटी करी कहली।
ମୋଠାରୁ ସବୁ କଥା ଶୁଣିସାରିବା ପରେ ମାମୁଁ ମୋତେ କହିଲେ, ଜାଣିଛ ବଣଜା, ଏ ଘଟଣା କେବଳ ତୁମ ସହ ଘଟିନି, ବରଂ ଏ ଗାଁକୁ ଆସିଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଲୋକଙ୍କ ସହ ଠିକ୍ ସମାନ ଘଟଣା ଘଟିଛି। ଜାଣିଛ, ଆଜି ଆମେ ଯେଉଁ ଖେଳ ପଡ଼ିଆକୁ କ୍ରିକେଟ୍ ଖେଳିବା ପାଇଁ ଯାଇଥିଲେ, ସେହି ଖେଳ ପଡ଼ିଆ କିଛି ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ଏକ ଶ୍ମଶାନ ଘାଟ ଥିଲା, ଯେଉଁଠି ଜନ୍ମଜ ସନ୍ତାନ କି ଆକସ୍ମିକ ଭାବରେ ବା କିଛି ଅନ୍ୟ କାରଣ ପାଇଁ ଯେଉଁ ଛୋଟ ଛୋଟ ଛୁଆମାନଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଯାଏ, ସେମାନଙ୍କ ମର ଶରୀରକୁ ସେଇଠାଣି ପୋତି ଦିଆଯାଇଥାଏ। ଆଉ ଏବେ ଯେଉଁ ଦୃଶ୍ୟ ତୁମେ ତୁମ ସ୍ୱପ୍ନରେ ଦେଖିଲ, ସେସବୁ ବାସ୍ତବିକ ରୂପରେ ସେହି ଛୋଟ ଛୁଆମାନଙ୍କର ପ୍ରେତାତ୍ମା ଥିଲା। କୁହାଯାଏ ଆଜି ବି କାଳେ ସେହି ଖେଳ ପଡ଼ିଆ ଭିତରୁ ଛୋଟ ଛୋଟ ଛୁଆମାନଙ୍କର କାନ୍ଦିବାର ଶବ୍ଦ ବାହାରକୁ ଶୁଣାଯାଇଥାଏ। ଏପରିକି ଆମ ଗାଁର କିଛି ଲୋକ ବି ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଭାବରେ ନିଜ ଆଖିରେ ସେହି ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଭିତରେ ଛୋଟ ଛୋଟ ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ଖେଳୁଥିବାର ଦେଖିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସେହି ଖେଳ ପଡ଼ିଆକୁ ରାତିରେ ଭୂତିଆ ବୋଲି ମନାଯାଏ। ମାମୁଙ୍କଠାରୁ ସବୁ କଥା ଶୁଣିସାରିବା ପରେ ମୋତେ ସେ ଖେଳ ପଡ଼ିଆ ପାଇଁ ଭୟ ଆସିଗଲା। ତା'ପର ଦିନ ସକାଳେ ଏସବୁ ଘଟଣା ମୁଁ ମୋ ଆଇମାକୁ କହିଲି। ଆଇମା ମୋଠାରୁ ସବୁ କଥା ଶୁଣିସାରିବା ପରେ ମୋତେ ଏମିତି ଦୁଃସ୍ୱପ୍ନ ନିବୃତ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ମୋ ହାତରେ ଏକ ମନ୍ତ୍ରିତ ଡେଉଁରିଆ ବାନ୍ଧିଦେଲା। ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ, ସେହିଦିନଠାରୁ ଏପରି ଦୁଃସ୍ୱପ୍ନ ମୋତେ ରାତିରେ କେବେ ବି ଆସିନି। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆଜି ପାଇଁ ତ ଭିଡ଼ିଓଟି ଏତିକି ଥିଲା। ଯଦି ଆଜିର କାହାଣୀଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ ଆସିଥାଏ, ତେବେ ଭିଡ଼ିଓଟି ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରି ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନେବେ, ଯାହାଫଳରେ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରସାରିତ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଭିଡ଼ିଓ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଆପଣ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ପାଇପାରିବେ। ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଯଦି ଏପରି କିଛି ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ଷ୍ଟୋରି ଅଛି, ତେବେ ଆମ ସହ ସେୟାର ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ। ଆମ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ଆଇଡିଓ ଲିଙ୍କ ଭିଡ଼ିଓ ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ ବକ୍ସରେ ଅଛି। ତେବେ ଆଜି ପାଇଁ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ, ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଆଉ ଏକ ଭୟର ଏପିସୋଡ଼ରେ, ଏମିତି ଆଉ ଏକ ଭୟଙ୍କର କାହାଣୀ ସହ। ସେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।